अम्मा, अब्बा जी का फोन आया था, वो कह रहे हैं जो पैसे रखवाए थे उन्होंने वो निकाल दें, अब्बा जी लेने आ रहे हैं। अच्छा, अंदर ना दुपट्टा पड़ा हुआ मेरा, उसमें चाबी बंधी हुई है, ला दे। जी अम्मी। हाँ ला दे। और तुम ना सब्जी काटो, मैं आती। ले पैसे कहाँ गए? इतनी बड़ी रकम कहाँ जा सकती है? जाप नहीं है। हे मेरे अल्लाह। अनम, अनम, अरे अनम, अरे अम्मा क्या हो गया? अरे मैंने पैसे यहाँ रखे थे, मिल नहीं रहे। अम्मा मुझे क्या पता, आपने यहाँ रखे थे पैसे यहीं होंगे, आप सही से देखें। अरे सही से देख रही हूँ, नहीं नजर आ रहे कहीं पे भी, सारी अलमारी देख ली मैंने। अम्मा याद करें, आपने पैसे कहीं और तो नहीं रख दिए? आप वैसे भी अपने हाथ में ले ले फिरती रहती हैं, कहीं किचन में तो नहीं छोड़ दिए? अरे 1000-2000 की बात हो तो कहूँ भी, अरे तुम्हारे अब्बा ने मुझे पैसे ला कर दिए थे, अच्छी तरह से याद है मुझे, और मैंने अलमारी में रखे थे, अब नहीं है। तो फिर कहाँ गए पैसे? अगर मुझे पता होता ना तो तुमसे पूछती मैं, कह कहाँ? अरे वही तो ढूंढ रही हूँ मैं, कैसे जा सकते हैं? या अल्लाह क्या करूं मैं? और मेरी बात सुनो, तुमने तो नहीं अलमारी को छेड़ा था? अम्मी अलमारी की चाबियां तो आपके पास होती है ना, अगर मुझे कुछ चाहिए होता तो आपसे ही मांगती मैं, और चाबी के बगैर थोड़ी ना खुल सकती अलमारी। अच्छा अब खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, उधर दराज में देख। आपने तो कहा था लॉकर में रखी है, फिर दराज में कहाँ से आ गई? अरे क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही है? दराज में देख, जो कह रही हूँ ना वो करो, वो सामने वाली दराज में देख, उसमें देख। हाय अल्लाह, तुम्हारे अब्बा आ गए तो उन्हें क्या जवाब दूंगी मैं? अम्मा ढूंढ तो रही हूँ ना। पूरे 50,000 थे, 50,000 क्या होगा, क्या जवाब दूंगी मैं? अरे ठीक से देख ना। अनमोल आओ तुम बैठो, मैं बस डॉक्यूमेंट्स को लेकर आता हूँ। सारिम इस वक्त बेटा खैरियत है? जी अम्मी, ऑफिस से कुछ फाइल भूल गया था तो वो लेने के लिए आया। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई तुम कहाँ से आ गई? अम्मी हाँ, अनमोल की स्कूटी खराब हो गई थी तो मैंने ही इसे कहा था कि मैं घर जा रहा हूँ तो तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। चलो आ गए हो तो खाना खाकर जाना, बना हुआ है, लगवा देती हूँ। नहीं अम्मी, लंच मैंने ऑफिस में कर लिया था, बस थोड़ी देर में निकलूंगा। आप एक काम करें ना, अनमोल के लिए खाना लगा दें, इसे भूख भी लग रही होगी। अनमोल तुम लंच करो, मैं बस अभी आया। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि सिद्दीकी ने तुम्हें स्कूटी क्यों दिलाई है, सारी दुनिया की लड़कियों का आना जाना बस और रिक्शा वगैरह पे है। ये गाड़ियां चलाना, मोटरसाइकिल, ये सब मर्दों के काम है, वो ये सर दर्द ले सकते हैं। पप्पू बस स्टॉप बहुत दूर है मेरे स्कूल से, बहुत पैदल चलना पड़ता था इसीलिए अब्बा ने। अच्छा अच्छा मुझे ना बताओ, जानती हूँ मैं तुम लोगों के नखरे, मेरे भाई बेचारे को परेशान करके रखा हुआ है। तुम दोनों की जगह सिद्दीकी का कोई बेटा होता ना तो उससे भी सुकून होता। अच्छा ये बताओ खाना खाओगी? फिर ये ना कहना पप्पू के यहाँ गई थी, खाना ही नहीं पूछा। नहीं पप्पू शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है। मुझे नहीं पता कि पैसे कहाँ चले गए शानी के, अब मेरे तो अलमारी में ही रखे थे, अब वहां पर नहीं है। तुमने अच्छी तरह से देखा भी है या नहीं? अरे हर जगह देख लिया है, एक एक चीज हटा हटा के देखी है मैंने, मगर पैसे वहां पर नहीं है। अनम मैं तो बस मापा के घर गई थी दोपहर में, मेरे बात कोई आया था? नहीं अम्मा घर पर तो कोई नहीं आया, बस हम ही घर के लोग हैं। अरे मगर कोई तो आया होगा,
और तुम्हें तो होश ही नहीं रहता। महल्ले के बच्चे आ जाते घर में, मगर तुम होके अपने आप में मगन रहती हो। अम्मा मैं सच कह रही हूँ, घर पर कोई नहीं आया, अगर आता तो मैं आपको बताती। शाहजहान कहाँ? शानी वो तो बाहर गया हुआ है, आप उसका क्यों पूछ रहे हैं? अरे शानी का जिक्र कहाँ से आ गया, मेरी बात तो सुने। अबे मजनू आजा यार, चाय ठंडी हो रही है, भाभी को थोड़ी देर होल्ड करवा दे यार। अबे आ रहा हूँ यार, सॉरी। हाँ ओके, बाय 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 बाय। क्या क्या मैं हाँ? भाई दोस्तों मैं साथ आया। क्या क्या इसका भी अलग ही है। डाल यार चाय डाल। वो मैं घर ही आ रहा था, आप फोन कर देते, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी, मैं घर आ जाता ना। ये तो सही हुआ क्या अब्बा, ऐसे क्यों बोल रहे? अपना वॉलेट दिखाओ मुझे। क्या हुआ क्या है, वॉलेट क्या करेंगे आप? मैं कह रहा हूँ अपना वॉलेट दिखाओ मुझे। आप कर क्या रहे हैं आप यार? वो पैसे कहाँ? कौन से पैसे? वो जो तुमने घर से चोरी की, मेरी हक हलाल की कमाई दोस्तों पे लुटा रहे हो तुम। वाह, मुझे नहीं पता आप किन पैसों की बात कर रहे हैं। मुझे सच सच बताओ, शाहजहान ने तुम्हें पैसे दिए? अंकल कौन से पैसे, शानी ने हमें कोई पैसे नहीं दिए। मुझे तुम लोगों पर कोई एतबार नहीं है, तलाशी दो। अंकल आपको गलत फहमी हो रही है। अरे निकालो वॉलेट, निकालो वॉलेट, निकालो जल्दी करो जल्दी करो। अब आप बिला वजह मेरे दोस्तों पे इल्जाम लगा रहे हैं, आपको कोई भी बात करनी है मुझसे करें यार, हम घर जाके बात कर लेते हैं। क्यों तमाशा लगा रहे हैं आप यहाँ पे? मैंने क्या करना है क्या नहीं करना मैं ये बेहतर जानता हूं, आखिर मैं तुम्हारा बाप। उठा यार से।